नमस्ते, मैं अमृता और टमी टू हार्ट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज टमी टू हार्ट की इस हिंदी सेगमेंट की शुरुआत महाराष्ट्र रेसिपी से कर रही हूँ और वो रेसिपी है कोल्हापुरी मसाला चावल। कोल्हापुरी मसाला चावल एक उत्तम थाली राइस है। ये चावल भारतीय शाकाहारी और मांसाहारी ग्रेवी के साथ सबसे बढ़िया लगती है। इस डिश के लिए आवश्यक सभी सामग्री किसी भी भारतीय रसोई में आसानी से मिल सकती है। तो आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले कृपया नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाएं। कोल्हापुरी मसाला चावल बनाने की सामग्री है 1 कप बासमती चावल, 1 बड़ी इलायची, 6 काली मिर्च, 1.5 टीस्पून शाहजीरा, 5 इलायची, 1 इंच दालचीनी, 1 बड़ा या 2 छोटे तेज पत्ता, 1 मध्यम आकार का या 125 ग्राम बारीक कटा हुआ प्याज, 2.5 टेबलस्पून घी, 3 छोटी या 2 मध्यम आकार की हरी मिर्च, 1.5 मध्यम आकार का या 125 ग्राम बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 कप कटा हुआ हरा धनिया, 2 बड़ी या 9 ग्राम लहसुन की कलियां, 1/4 कप पानी, 1/2 इंच या 4 ग्राम अदरक का टुकड़ा, 2 लौंग। विधि में चरण 1। प्रथम खलबट्टे में हरी मिर्च, इलायची, अदरक, लहसुन और शाहजीरा को एक साथ क्रश कर लें। इसे पीसने के बाद एक तरफ रख दें। विधि में चरण 2। कढ़ाई में घी डालकर गरम कर लीजिए। घी गरम होने पर मसाला इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और तेज पत्ता डालें। इसे कुछ सेकंड के लिए भुनें। फिर कूटा हुआ मिश्रण डालें और इसे हल्के से भुनें। मसाला भुनने पर कटा हुआ प्याज डालें और इसे पारदर्शक होने तक भुनें। बाद में कटा हुआ टमाटर डालें। हमें टमाटर को नरम होने तक भुनना है। बाद में चावल डालें और मिलाएं। चावल के सूखने तक भुनें। फिर कटा हुआ हरा धनिया डालें, नमक डालें और इसे मिला लें। फिर पानी डाल के अच्छी तरह मिला लें और ढक्कन से ढककर पकाएं। इसे मध्यम आंच पर 15 मिनट तक पकाना है। 15 मिनट के बाद आंच बंद कर दें और ढक्कन निकाल दें। आपका कोल्हापुरी मसाला चावल तैयार है, तो उसका आनंद लें।